नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो कर्मचारियों ने एरियर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, तो क्या ये खबर रहेगी विस्तृत रूप से आपके समक्ष हमेशा की तरह जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो निगम के 8,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे सीएम बोले ब्रिजलाल ठाकुर। हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 2016 से एरियर की किस्त जारी न होने से प्रदेश के सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी लंबित पड़ी मांगों पर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई गौर नहीं किया जाता है। इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को लोकसभा चुनावों में भुगतना होगा। यह चेतावनी हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मंडी में आयोजित बैठक के दौरान दी। इस बैठक में डिवीजन मंडी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बता दें, बैठक के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिजलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार निगम के 8,000 कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। कहा कि प्रदेश सरकार 1/1/2016 से न तो एरियर की किस्त जारी कर रही है और न ही पूर्व सरकार द्वारा जारी 50,000 की किस्त जारी कर रही है। इसके अलावा आयु वर्ग के आधार पर मिलने वाले लाभ और मेडिकल बिलों का भी भुगतान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में नहीं मिल रहा है, जिससे प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी कांग्रेस सरकार से नाराज हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिजलाल ठाकुर ने सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रदेश सरकार से अपना हक मांग रहा है, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर कई सालों तक अपनी सेवाएं दी है। ब्रिजलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मई व जून माह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतानों का अदायगी नहीं करती है तो चुनावों में प्रदेश सरकार के खिलाफ मतदान करने से गुरेज नहीं करेंगे। तो प्रमुख रूप से यह है बड़ी खबर कि HRTC से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एरियर की किस्त जारी न होने से प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। तो अभी के लिए यह है बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।